स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा तो उसके बाद स्टूडेंट्स आप आसानी के साथ रिडॉक्स इक्वेजन को बैलेंस आउट कर सकेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो आज के लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे फर्दर हम रूल्स को स्टडी करेंगे कि वो कौन से रूल्स हैं जो कि एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमें बता सकते हैं जिन्हें फॉलो अप करते हुए हम जान सकते हैं कि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन क्या है चार्ज ऑन एन एलिमेंट इन मॉलिक्यूल और आइन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर और इसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं ठीक है डेफिनेशन आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए अरेंट चार्ज ऑन एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और आइन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर वो आपसे कह रहे हैं कि एक एलिमेंट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम एज एन एलिमेंट ले लेती हूं इस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज आपको नजर आ रहा है दैट इज इस ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है अब सोडियम पे अगर सोडियम एलिमेंट की बात की है हमने सोडियम एज एन एलिमेंट तो इसके ऊपर हमें कोई चार्ज नहीं या फिर हम इसे जीरो कंसीडर करते हैं जहां पर कोई चार्ज नहीं लिखते तो वो जीरो कंसीडर किया जाता है यानी कि सोडियम एज एन एलिमेंट इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है जीरो है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा जीरो हो सकता है ठीक है पहली बात उसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं कि एक एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा तो फिर वो किस फॉर्म में आ जाता है एन ए पॉजिटिव अब इस सोडियम एलिमेंट के ऊपर क्या चार्ज आपको नजर आ रहा है दैट इज द पॉजिटिव पॉजिटिव कितना पॉजिटिव वन तो इसका मतलब है कि अब इस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव वन जो चार्ज है दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर तो आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का क्या होगा पॉजिटिव ठीक है इसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये भी जानते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और नेगेटिवली चार्ज आइंस बन जाते हैं तो तब एक एलिमेंट पे क्या चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा किस तरह से उसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं क्लोरीन ले लेते हैं ठीक है क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एडअप होगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा माइनस वन ठीक है तो अब यहां माइनस वन स्टेट में आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या आ गई है नेगेटिव वन या माइनस वन यहां पॉजिटिव वन तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर जीरो भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और आप आगे जाके फर्दर देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास फ्रैक्शनल भी हो सकता है इन फ्रैक्शन ठीक है वन बाई टू इस तरह से ये भी आप एग्जाम्पल आगे जाके स्टडी करेंगे ये बेसिकली हम सुपर ऑक्साइड्स और सब ऑक्साइड्स में देखते हैं हम फर्दर ये एग्जाम्पल देखेंगे कि जब सुपर ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो फिर हमारे पास ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है दोबारा से देखें हमने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है अपेरेंट चार्ज ऑन एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर्स की हमने कंडीशंस देखी विद एग्जांपल ऑक्सीडेशन नंबर जीरो भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है स्टूडेंट्स अब आप माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम किस तरह से ये जज करें कि कब एक एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या फ्रैक्शनल चार्ज आएगा या आप कह सकते हैं कि कब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीरो कंसिडर की जाएगी तो स्टूडेंट्स इसके लिए कुछ रूल्स हैं उनको डिफाइन किया गया है जिनको फॉलो अप करते हुए आप ये आसानी से बता सकेंगे कि एक एलिमेंट के ऊपर कब जीरो चार्ज होगा कब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा और कब फ्रैक्शनल होगा आइए स्टूडेंट्स उन रूल्स को फर्दर स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर में पहला रूल हमारे पास आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर को मैं ओएन से डोनेट कर रही हूं ऑफ एन एलिमेंट जब एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट कर रहा हो फ्री स्टेट में ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इसकी जीरो होगी इज ऑलवेज जीरो पहला रूल है आपके पास द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ फ्री स्टेट इज ऑलवेज जीरो अब यहां पर फ्री स्टेट से क्या मुराद है कि एलिमेंट की फ्री स्टेट क्या होगी स्टूडेंट्स एलिमेंट जो है इसे हम फ्री स्टेट में कब कंसिडर कर सकते हैं जब मोनोटॉमिक फॉर्म में हो जैसे मोनोटॉमिक फॉर्म कब होती है एलिमेंट की जैसे कि आपके पास मेटल्स हैं वो सिंगल एटम के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं एग्जाम्पल में देख लें आपके पास सोडियम है मैग्नीशियम है लीथियम है ठीक है इसी तरह से आप बेरिलियम भी ले सकते हैं दीज आर ऑल मेटल्स और ये मोनाटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो इस टाइम पे स्टूडेंट्स इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी हमेशा जीरो होगी ठीक है ये बात होगी ये फ्री स्टेट की बात हो रही है एलिमेंट की फ्री स्टेट नंबर वन फ्री स्टेट ये होगी दूसरी कौन सी फ्री स्टेट हम कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं बेसिकली होमोन्यूक्लियर फॉर्म जैसे हाइड्रोजन है क्लोरीन है फ्लोरीन है ठीक है इसी तरह से आपके जब बात आ रही है न्यूक्लियर दोनों एटम्स जो हैं वो सेम होंगे एलिमेंट्स के मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये भी एलिमेंट की फ्री स्टेट कंसिडर की जाती है तो इस पे भी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी जीरो होगी ठीक है स्टूडेंट्स याद रहे यहाँ पर होमोन्यूक्लियर की बात हो रही है कि दोनों जो एटम्स हैं वो सेम हो ठीक है इस तरह से अगर हम डिफरेंट आइटम्स लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां पर दोनों न्यूक्लियस क्या है डिफरेंट है तो ये रूल यहां पर फॉलो अप नहीं हो सकता इसी आप एलिमेंट की फ्री स्टेट कंसीडर नहीं करेंगे ठीक है जहां पर एलिमेंट जो है होमो न्यूक्लियर है दोनों जो है सेम एटम्स मौजूद हैं कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं तो इस आप कंडीशन में देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या आ रही है जीरो है एक मॉलिक्यूलर फॉर्म है और दूसरी हमने क्या बात की है मेटल्स की जब मोनोटॉमिक फॉर्म में होंगे एलिमेंट्स, ठीक है ये फर्स्ट रूल ये फॉलोअप हमने किया सेकेंड रूल दैट इज फॉर एन आइन ठीक है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज द सेम एज चार्ज ऑन एन आइन या ऑन एट स्टूडेंट्स सेकेंड रूल जो है हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक आइन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है एक आइन पे जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा ठीक है लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर एक और कंडीशन जो है स्पेसिफाई की गई है आइन ऐसा हो जो सिंगल एलिमेंट से बना हो तब ये रूल अप्लाई होगा फॉर एग्जाम्पल सोडियम जो है uh, uh, यानी से बना हुआ है, है है, है तो है, है, तो इसके ऊपर जो इसका मतलब है, sodium का oxidation number क्या होगा positive one होगा। इसी तरह से आपके पास क्लोराइड की एग्जाम्पल है तो क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा माइनस वन होगा ठीक है ये तब अप्लाई होगा रूल जब आपके पास जो आइन है वो सिंगल एलिमेंट से मिलकर बना हो स्टूडेंट्स ऐसे भी आइंस मौजूद हैं जो कि ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं किस तरह से ग्रुप ऑफ एटम्स की आपको अगर एग्जाम्पल में दू जैसे अमोनियम आइन है ये पॉजिटिव है सल्फेट जो है माइनस टू तो ये ग्रुप ऑफ आइंस में ये रूल फॉलो अप नहीं होगा ये रूल किसके लिए है जहां पर आइंस जो है वो सिंगल एलिमेंट से मिलकर बनेगा तो जो आइन के ऊपर चार्ज होगा वही क्या होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा ठीक है स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है कि आइंस के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा ऐसे आइंस जो कि सिंगल एलिमेंट से मिलकर बने होंगे नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं नेक्स्ट रूल स्टूडेंट्स हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल द कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्राइड्स इज पॉजिटिव वन ठीक है वो आपसे क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तमाम कंपाउंड्स में क्या होता है हमेशा पॉजिटिव वन होता है ठीक है एक्सेप्ट हाइड्राइड्स हाइड्राइड्स क्या होते हैं हाइड्राइड्स स्टूडेंट्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां पर हमारे पास हाइड्रोजन की ऑक्स हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा माइनस वन होगा ठीक है जब भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन होगा तो आप इन्हें क्या कहेंगे हाइड्राइड्स कहेंगे ठीक है और वैसे जब हाइड्रोजन H पॉजिटिव वन में होता है तो हम इसे क्या कहते हैं प्रोटॉन कहते हैं ठीक है स्टूडेंट्स फर्दर एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कब हाइड्रोजन का जो है पॉजिटिव वन होगा और कब माइनस वन होगा एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाती हूँ प्रोटॉन वाले केस में हमारे पास एग्जाम्पल्स आती हैं बहुत कॉमन uh, सी हैं हमारे है, है हमारे पास एग्जाम्पल्स वाटर है अमोनिया है हमारे पास ठीक है यहाँ पर एच का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज पॉजिटिव वन ठीक है और हाइड्राइड्स में मेटल हाइड्राइड्स की बेसिकली हम बात करते हैं कि मेटल हाइड्राइड्स कौन से हैं सोडियम हाइड्राइड है मैग्नीशियम हाइड्राइड है ठीक है थीके? ये हाइड्राइड्स में आपके पास हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है माइनस वन स्टूडेंट्स हाइड्रोजन जब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी पॉजिटिव वन आएगी और स्टूडेंट्स जब हाइड्राइस हाइड्रोजन जो है अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होगा तो फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी माइनस वन कंसिडर की जाती है ठीक है तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी माइनस वन और उसे हम क्या कहेंगे हाइड्राइड कहेंगे ठीक है यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हाइड्रोजन की आपको डिफरेंट कंपाउंड्स में दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलेंगी मैक्सिमम कंपाउंड्स में पॉजिटिव वन स्टेट में एग्जिस्ट करता है और जो हाइड्राइड्स हैं उनमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन होती है नेक्स्ट रूल की तरफ प्रोसीड करते हैं दैट इज अबाउट द ऑक्सीजन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल द कंपाउंड इज माइनस टू तमाम ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स हैं उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की क्या होती है माइनस टू एक्सेप्ट एक्सेप्ट किसमें पर ऑक्साइड्स सुपरऑक्साइड एंड सब ठीक है पर ऑक्साइड सुपरऑक्साइड्स और सब ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस टू नहीं होती स्टूडेंट्स इसको याद करने के लिए एक बड़ा मजे का सेंटेंस हम आ, लिखते हैं नूर पुर सुपर सब अब ये टेबल में देखिए हम इसे कैसे मेंशन करेंगे नूर पुर सुपर सब ठीक है यहां से एन नूर से नॉर्मल ऑक्साइड ये होगा पर ऑक्साइड इसी तरह से सुपर ऑक्साइड और सब ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है माइनस टू पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है माइनस वन सुपर ऑक्साइड में हाफ होती है माइनस वन बाय हाफ और सब ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की होती है प्लस टू एंड प्लस फोर इसका मतलब स्टूडेंट्स आप ये समझ सकते हैं कि एक एलिमेंट की एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं ऑक्सीजन की आप देख रही हैं यहाँ पर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जिन्हें हमने फर्दर डिफाइन किया है नॉर्मल पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड एंड सब ऑक्साइड ठीक है फर्दर एग्जाम्पल देखते हैं कि नॉर्मल ऑक्साइड में कौन सी हमारे पास एग्जाम्पल्स आती हैं? एग्जाम्पल है वाटर की कार्बन डाइऑक्साइड की और पर ऑक्साइड में हमारे पास एग्जाम्पल है एन ए टू ओ टू इसी तरह से एच टू ओ टू हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जिसे कहते हैं सुपर ऑक्साइड्स में हमारे पास फर्दर एग्जाम्पल्स हम देखेंगे के ओ टूबीडियम सुपर ऑक्साइड ठीक है और इसी तरह से सब ऑक्साइड्स की हमारे पास एग्जाम्पल आएंगी सी टू ओ थ्री और इसी तरह से ओ एफ टू ठीक है आपने देखा ऑक्सीजन जो है एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है नॉर्मल में हमेशा माइनस टू होगी पर ऑक्साइड जहां पर वर्ड लिखाएगा वहां पर माइनस वन होगी सुपर ऑक्साइड माइनस वन एंड हाफ तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो फ्रैक्शनल भी होता है हमने आपको स्टार्ट में कहा था कि आप फर्दर जाकर सुपर ऑक्साइड्स में देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फ्रैक्शनल बी होता है स्टूडेंट्स आपको मैं यहाँ एक इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ चौदह ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज नहीं होती यानी कि आप उनका कोई भी कंपाउंड उठाकर देख लें ऑक्साइड्स हों या वैसे उनके कंपाउंड्स हों उनकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उन उसके अलावा उनकी कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी वो कौन से एलिमेंट्स हैं मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स आपके पास ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वन ए और टू ए मैंशन है इसमें हाइड्रोजन को निकाल के ये आपके पास कितने बचते हैं ट्वेल्व एलिमेंट्स हैं ठीक है ग्रुप वन ए में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी पॉजिटिव वन होगी और ग्रुप टू ए जो है इसके अंदर जो बेरिलियम है मैग्नीशियम है इनकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है पॉजिटिव टू है ठीक है ये फिक्स रहती है हम यहाँ पर ग्रुप वन ए में सिर्फ हाइड्रोजन को माइनस कर रहे हैं ये आपके पास बारह एलिमेंट्स हैं फर्दर एल्यूमिनियम जो है वो उसकी हमेशा पॉजिटिव थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगी इसके अलावा कोई स्टेट नहीं होगी और जो चौदह एलिमेंट है fluoride. Fluoride की हमेशा, students, आपको ही मिलेगी। इसके कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी किसी भी कंपाउंड में नहीं होगी ठीक है स्टूडेंट्स फर्दर नेक्स्ट रूल्स की तरफ प्रोसीड करते हैं जी स्टूडेंट्स फिफ्थ रूल हमारे पास है अबाउट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ठीक है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है तो रूल क्या है इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स क्या होगा द एलजेब्रिक समन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज जीरो रूल हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो जीरो होती है किस तरह से जीरो होती है क्या फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू जीरो हम एग्जाम्पल लेते हैं वॉटर की तो वॉटर की हम कैसे देख सकते हैं वॉटर इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं फॉर्मूला हम एक बना सकते हैं यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो एल्जेब्रिक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ठीक है इनका एल्जेब्रिक सम किसके इक्वल होना चाहिए जीरो के इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पर फॉर्मूला में हाइड्रोजन के जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उनको हम ऑक्सीडेशन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे वाटर के केस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं सॉरी कितने एटम्स हैं टू एटम्स हैं तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो उसे हम डायरेक्ट uh, मेंशन करेंगे ठीक है अब यहाँ पर वैल्यूज हम पोट करते हैं हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या होता है हाइड्रोजन का पॉजिटिव वन और ऑक्सीजन का uh, कितना होता है माइनस टू ठीक है अब हम यहां पर देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन पुट करते हैं पॉजिटिव वन इंटू टू प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन माइनस टू मस्ट बी इक्वल टू जीरो अब ये देखें प्लस टू माइनस टू एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे तो ये जीरो जीरो हो गया ठीक है इट्स मीन कि जो हमने कहा था कि सम ऑफ एल्जेब्रिक ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल इज़ इक्वल टू जीरो तो ये बात यहाँ पर जस्टिफाई होगी स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट रूल की तरफ देखते हैं जिसमें हमें आइन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि एक आइन के ऊपर जो चार्ज आता है वो किस तरह से हम बता सकते हैं कि एक जो स्पेसिफिक आइन है उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा उसके लिए क्या रूल है इन आइन्स द एलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज द चार्ज ऑन आयन ठीक है आइंस के केस में क्या है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसकी इक्वल होता है जो आंसर आएगा दैट इज द चार्ज ऑफ दैट आइन एग्जांपल के साथ देखते हैं हाइड्रोक्सिल oh, है ठीक है अब हाइड्रोक्सिल आइन में हम देखेंगे कि इसका चार्ज माइनस वन कैसे आ रहा है तो किस तरह से देखेंगे एल्जेब्रिक समर ऑफ एलिमेंट्स ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू है ठीक है इसी तरह से हाइड्रोजन का क्या है पॉजिटिव वन है इनको सम अप हम करते हैं जी ऑक्सीजन के नंबर ऑफ आइटम्स वन है इसके भी वन है तो सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ठीक है ये किसके इक्वल आना चाहिए चार्ज चार्ज पर कितना है माइनस वन तो ये माइनस वन के इक्वल होना चाहिए अब हम क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन माइनस टू ठीक है प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वन प्लस वन ठीक है तो माइनस टू और आ, प्लस वन आप करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा माइनस वन ही आएगा तो ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है इसका क्या मतलब है कि ये रूल हमने प्रूव किया है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन आयन ठीक है ये आपको समझ आ गई कि आइन्स के अंदर हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है या आप कह लें कि उसकी वैल्यू जो है चार्ज ऑन आइन वो किस तरह से डिटर्मिन कर सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट रूल है इस रूल के अकॉर्डिंग हम ये जज कर सकते हैं कि एक सब्सटेंस में या एक फॉर्मूला में कौन सा एलिमेंट ऐसा होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा या फिर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो नेगेटिव होगी तो स्टूडेंट्स रूल क्या है इन सब्सटेंसेस द एलिमेंट विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल हैव नेगेटिव चार्ज ठीक है वो आपसे कह रहे हैं कि एक सब्सटेंस के फॉर्मूला को अगर आप देखें उसको ऑब्जर्व करें तो स्टूडेंट्स उसके अंदर जोन सा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का क्या मतलब है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ठीक है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन लविंग को भी हम कह सकते हैं कि दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा मैं सिंपल से आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ ओ एफ टू स्टूडेंट्स अब आप देखें कि ऑक्सीजन अदरवाइज हमारे पास क्या होता है माइनस टू है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या आप कह लेंगे जो कॉमन इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस टू है लेकिन इसी लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन जो है वो प्लस टू में भी एग्जिस्ट करता है प्लस फोर में भी एग्जिस्ट करता है तो यहां पर स्टूडेंट्स अब आप देखें ये वाला रूल कैसे फॉलो अप हो रहा है कि इन दोनों में से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है फ्लोरीन है तो इसका मतलब इस सब्सटेंस या इस फॉर्मूला में ऑक्सीजन के सॉरी फ्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आएगा माइनस नेगेटिव चार्ज होगा ठीक है और ऑक्सीजन क्योंकि इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव ठीक है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी पॉजिटिव टू होगी ठीक है बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है जो इस रूल पे बहुत ज्यादा फिट हो रही है ठीक है ऑक्सीजन अदरवाइज देखें नेगेटिव कंडीशन में होता है लेकिन जब ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच हो गया तो Uh, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव में चला गया ठीक है स्टूडेंट्स ये रूल्स यहां पर कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स फर्दर हम देखते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स की एक कंपाउंड के अंदर हम ऑक्सीडेशन नंबर या उसकी स्टेट को किस तरह से डिटरमिन करेंगे टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड और रेडिकल वी हैव टू फॉलो अप द रूल्स अभी जो हमने रूल्स स्टडी किए स्टूडेंट्स अगर हम इन्हें फॉलो करें तो हम एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या उसके ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन कंपाउंड आइन या रेडिकल में फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जाम्पल से देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैगनीज इन केमेन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हमें केमेन के अंदर मैगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना है तो देखते हैं स्टूडेंट्स हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर हम रूल्स की बात करें तो स्टूडेंट्स हमें रूल्स क्या इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में सम ऑफ ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि केमेन न्यूट्रल है तो ओवरऑल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैगनीस प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू जीरो ठीक है स्टूडेंट्स एक और बात मैंने आपको बताई थी कि नंबर ऑफ एटम्स जो है हम इन ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है अब यहां पर फॉर्मूला में देखें पोटासियम का Uh, कितने नंबर ऑफ एटम्स है वन ही इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे मैगनीज का भी वन है मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ऑक्सीजन के फोर हैं तो हम इसे फोर से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है अब स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करने के लिए हमें पहले इनके ऑक्सीडेशन नंबर मालूम होने चाहिए पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम दैट इज पॉजिटिव वन क्योंकि ये ग्रुप वन ई से बिलोंग कर रहा है ठीक है इसी तरह से स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इसका क्या है माइनस टू है ठीक है ये हम जानते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैगनीज ये क्या है हम एक्स कंसिडर करें क्योंकि हम इसकी वैल्यू नहीं जानते हमने उसको कैलकुलेट करना है ठीक है अब इसी तरह से स्टूडेंट्स ये जो हमने वैल्यूज लिखी हैं ये हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटासियम दैट इज प्लस वन ठीक है प्लस वन ठीक है सात नेक्स्ट देखें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैगनीज दैट इज एक्स ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन आपके पास कितना फोर इन माइनस टू और इक्वल टू जीरो ठीक है ये फॉर्मूला समझ आ रहा है इस फॉर्मूला को अगर हम मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है एक्स प्लस वन माइनस एट ठीक है इक्वल टू जीरो सिंपल एल्जेब्रिक सम है x इज इक्वल टू एट माइनस वन हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा पॉजिटिव सेवन पॉजिटिव सेवन क्या है स्टूडेंट्स दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैगनीज इज इक्वल टू पॉजिटिव सेवन ठीक है स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने इस रूल को फॉलो अप करते हुए मैगनीज के ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया है एक और एग्जाम्पल देखते हैं कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फेट आइन यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है यहाँ पर क्या है आइन मौजूद है तो आइन्स के लिए क्या रूल था कि इन आइन्स द द एलजेब्रिक सम ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑन दैट आइन तो दी uh, हम फॉर्मूला uh, को या रूल को फॉलो अप करते हुए फॉर्मूला लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन दिन माइनस टू इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर अब यहाँ पर नंबर ऑफ एस ओनली वन है इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एस कितने फोर है तो फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हमारा फॉर्मूला है अब हमने इसके अंदर वैल्यू स्पोर्ट करने के लिए हम देखेंगे कि हमें ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर तो पता नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज अनोन एक्स कह देंगे इसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमने अभी देखा माइनस टू है ये वैल्यूज़ पुट करते हैं और हम इस तरह से सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर दैट इज एक्स प्लस फोर इंटू माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू ठीक है ये वही फॉर्मुला इसमें वैल्यूज़ पुट की हैं अब यहां पर स्टूडेंट्स हम आप फर्दर सॉल्व करेंगे माइनस एट माइनस टू इस तरह से हो जाएगा एंड एक्स विल बी इक्वल टू माइनस टू प्लस एट और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा प्लस सिक्स ठीक है स्टूडेंट्स तो यहां पर प्लस सिक्स क्या है दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फेट आइन कितना है दैट इज प्लस सिक्स ठीक है स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आइंस का जो रूल था ऑक्सीडेशन नंबर का उसको फॉलो अप करते हुए हमने आइंस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में अभी हमने केमेनोफोर की एग्जाम्पल स्टडी की और उसके अंदर हमने मैगनीज एलिमेंट जो था उसके ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट किया आज का स्टूडेंट्स लेक्चर हमारे यहाँ पर खत्म होता है स्टूडेंट्स आपको ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आपने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को हम किस तरह से रूल्स को फॉलो अप करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह